नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। सिरमौर जिला के विकास खंड शिलाई में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एडीसी सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम मंगलवार को शिलाई पहुंची है। इस दौरान शिलाई ब्लॉक में कथित भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे लेकर विधायक हर्षवर्धन चौहान भी जाँच टीम के साथ मौजूद रहे। समूचे हिमाचल प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम हो चुके शिलाई विकास खंड में अनियमितताओं की जांच अब शुरू हो गई है। एडीसी सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम को उपायुक्त सिरमौर द्वारा मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मंगलवार को जांच दल ने शिलाई पहुंचकर स्थानीय विधायक की मौजूदगी में कथित भ्रष्टाचार की जाँच को लेकर रूपरेखा तैयार की। इस दौरान शिलाई विकास खंड कार्यालय के दफ्तर में विधायक हर्षवर्धन चौहान खुद ही सैकड़ों शिकायतों की फाइल निकालकर एडीसी सिरमौर के पास लानी पड़ी। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद शिलाई ब्लॉक में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कर्मचारियों के द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार की फाइल को छुपाया जा रहा था, जिसके बाद मजबूरन उन्हें खुद सैकड़ों फाइल निकालकर जांच कमेटी के समक्ष रखनी पड़ी। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रधान परिषद स्वयं भी इन बातों को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जांच कमेटी द्वारा निष्पक्षता के साथ हर पहलू को जांचा जाएगा और शिलाई विकास खंड में चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। विकास खंड शिलाई में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष दल की अध्यक्षता और सिरमौर की अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने बताया कि विधायक शिलाई द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर विभिन्न बिंदुओं के अनुसार निरीक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है। कागजों को जांचने के बाद विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर जाकर ही निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर जांच के दौरान कोई खामियां सामने आती है तो जिम्मेवार लोगों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम सोनाक्षी सिंह तोमर है। मैं करेंटली एडीसी सिरमौर के पद पे अभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पोस्टेड हूँ। आज की तारीख में 1 फरवरी को हमने ब्लॉक शिलाई का इंक्वायरी स्टार्ट किया है। इसके तहत डीसी सिरमौर के ऑर्डर्स के तहत एक कमेटी इसमें बनी है, जिसकी चेयरपर्सन मैं हूँ। और इसमें जो आरोप MLA शिलाई ने ब्लॉक के कामों पे लगाए हैं, जो आरोप लगे हैं और जो कंप्लेंट्स उनकी तरफ से हमको रिसीव हुई हैं, उनकी कार्रवाई के लिए आज हमने ये कमेटी की मीटिंग ब्लॉक ऑफिस में रखी थी। आज की जो जनरल इंक्वायरी में जो डिसीशंस लिए गए हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स हमने बना ली है और उस प्रोसीडिंग्स के मुताबिक अब आगे इसकी कार्रवाई चलाई जाएगी। आज जो कमेटी के मेम्बर्स मेरे ऑफिस के स्टाफ से मौजूद थे, उसके अलावा BDO साहब, आपके BDO शिलाई, और MLA साहब, MLA शिलाई हमारे साथ आज मौजूद थे। साथ ही मीडिया पर्सन्स भी इस कमेटी में पार्टिसिपेट करने का उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका इसमें दिया गया। तो जो कमेटी की आज प्रोसीडिंग्स डिसाइड हुई हैं, उसके मुताबिक हमने ये आदेश जारी करने का डिसीशन लिया है। इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि हम कुछ 1 महीने के अंतराल में जो भी आज हमने इसमें 7 पॉइंट्स का एक कंसिडरेशन नोट MLA साहब से लिया है, उस पॉइंट में हम अपनी कार्रवाई चलाएंगे और उसमें कागज़ों में जो डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट होती हैं, उसके मुताबिक हम आगे अपनी कार्रवाई करके यहाँ पर दोबारा से ब्लॉक विजिट करके ऑन द स्पॉट कामों का निरीक्षण करेंगे। तो उसमें जब कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट होती है, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई आपको बता दी जाएगी। तो आज की जो जनरल कार्रवाई हमने करी है, जनरल इंक्वायरी जो करी है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, जिसकी हम आगे शिनाख्त करके आपको इसमें अपडेट करेंगे कि अब इसमें हमें आगे कैसे चलना है, तो टाइम टू टाइम इसमें बताया जाएगा। फिलहाल इस कमेटी ने अपना टाइम मांगा है ताकि हम ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें इंक्वायरी कर सकें। तो इस टाइम के बाद हम दोबारा से इस ब्लॉक विजिट करेंगे और फिर से एक बार शिनाख्त करके ऑन द स्पॉट विजिट करेंगे। आज ADC सिरमौर यहाँ ब्लॉक की इंक्वायरी करने आई है। जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री की जो मीटिंग थी विधायकों के साथ, उसमें शिलाई में ब्लॉक में भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस बारे मामला जो है उठाया था, और सरकार ने जो है एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, उस विषय में आज हमारी जो है वो चर्चा हुई है। और बड़ा दुख का विषय है कि शिलाई ब्लॉक में कि भ्रष्टाचार के बारे में सरकार द्वारा कई बार इंक्वायरी ऑर्डर किए गए हैं, मगर कभी भी इंक्वायरी जो है पूरी नहीं की गई। मुझे जो
ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और कहा था कि वो इंक्वायरी करेंगे, मगर इंक्वायरी कभी शुरू ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने मुझे विधानसभा में आश्वस्त कराया था कि कुछ पंचायतों का विजिलेंस द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, वो कभी इंक्वायरी शुरू ही नहीं हुई। और सोशल ऑडिट के माध्यम से भी सरकार द्वारा जो है इंक्वायरी जो है ब्लॉक की फंक्शनिंग के बारे में की गई थी, मगर वो आधे में बंद कर दी गए। तो मैंने इसका जब इशू को उठाया और इंक्वायरी अभी ऑर्डर की है, तो मैंने अपनी बात जो है वो ADC महोदय के समक्ष रखी है और कई बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई है कि मनरेगा की जो सेंक्शन है उसमें पैसे का जो है लेन देन होता है, कुछ पंचायतों में करोड़ों की सेंक्शन हो गई और कुछ पंचायतों में सेंक्शन ही नहीं होती है। जहाँ पे लेन देन ठीक हो जाती है वहाँ सेंक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक निधि के जो काम है वो स्टार्ट ही नहीं होते, उसके एस्टिमेट ही नहीं बनते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक से संबंधित वर्क्स हैं और उसमें कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं होता है, तो वो पैसे वर्क स्टार्ट ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायतें यहाँ आई हैं ब्लॉक में, जो शिकायतें आई हैं, कोई मेरे ख्याल 100 से ऊपर शिकायतें हैं और शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर किसी पे कार्रवाई भी होगी तो वो मौके पे जा कर के जो है वो निरीक्षण नहीं होता है। आज मुझे खुद जो मनरेगा की कोई मतलब दफ्तर में जो मनरेगा की फाइलें छुपाई जा रही थी, वो फाइलें मुझे खुद दफ्तर में जो डीलिंग है वहाँ से उठा करके ADC के समक्ष वो फाइलें रखनी पड़ी, और वो कोई 100-125 के करीब फाइलें हैं। तो मतलब यहाँ पे तो मतलब हर चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, मौके पे काम नहीं है। मैंने कहा है ADC महोदय को कि भाई बहुत सारी पंचायतों में अनियमितताएँ, कागजों का पेट भर दिया जाता है मगर मौके पे काम नहीं होता है। तो मैंने अनुरोध किया है इनको कि भाई मौके पे जाकर के कुछ पंचायतों में कुछ स्कीमों का निरीक्षण किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी वो हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे या जो भी जब उचित समय लगेगा तो उस वक्त इंक्वायरी की जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि सरकार ने उचित कदम लिया है और यहाँ जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार पनप रहा है उस पर कुछ हद तक जो है रोक लगेगी। तो अब जैसे भी होगा, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो कमेटी इंक्वायरी करेगी मैं उसको पूरा सहयोग करेंगे, और हमारे जो पंचायतों के प्रधान है या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका इज्जत मान और सम्मान करना, चाहे BDO है, चाहे ब्लॉक के कर्मचारी हैं, चाहे पंचायत के कर्मचारी हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधियों का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रतिनिधि हैं, उनका इज्जत मान सम्मान करना और उनको उचित मान देना जो है ये ब्लॉक के कर्मचारियों का फर्ज बनता है, जो कि शिलाई में नहीं हो रहा है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत ठेस पहुँची है। और कल पंचायत प्रधान का जो इनका परिषद है उसने एक प्रस्ताव भी पास किया है कि उनके कामों में रुकावट आ रही है, काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सारी दिक्कतें और समस्याएं हैं उनका जो है समाधान हो और सिलाई में जो पनपा हुआ भ्रष्टाचार है वो खत्म हो। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।